हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाने में काफ़ी हिचकिचाती है। वह कहती है, एक्चुअली ये मेरा पहला रिलेशनशिप है और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये सुनकर रिची स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में रोमांस मंगा राइटर हो। फिर उसे किस करता है और फिर दोनों में रोमांस स्टार्ट होता है। पर बीच में ही हाना को उसके एडिटर का कॉल आता है, जहाँ उसे एक दूसरा स्टोरी लिखने का ऑफर मिलता है। फिर वह रिची से कहती है, सॉरी तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने काम के टाइम भी तुम्हें काफ़ी मिस करती हूँ। रिची कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इन सब बातों से तो मुझे अच्छा लगता है। जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो मुझसे कांटेक्ट करना, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने छोड़ा है। हाना कहती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि मैं इतनी इनएक्सपीरियंस्ड हूँ? तो वो कहता है, तुम्हें पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं। वहीं इधर एक सेलिब्रिटी अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट चेंज करना है, और उसके मोबाइल पर हम रिची का फोटो देखते हैं। एक्चुअली वो रिची की दोस्त होती है। दूसरी तरफ हाना भी सोचती है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। अगले दिन वह काफ़ी कंफ्यूज रहती है कि क्या पहने, क्योंकि ये उसका फर्स्ट प्रॉपर डेट होता है। तभी उसके यहाँ रिची आता है तो वह शॉक्ड रहती है। पर रिची कहता है, सॉरी मुझसे और वेट नहीं हो रहा था। हाना सोचती है, वाओ इसका इस्तेमाल से तो मैं मर ही जाऊँगी। वैसे इस एक्सपीरियंस को मैं अपने मंगा में ऐड कर सकती हूँ। फिर रिची कहता है, तुम्हारे लिए कुछ है, मैं अभी तुम्हारा मेकअप करूंगा। फिर वह उसका मेकअप करता है। हाना सोचती है, भले ही मैं नंबर वन रोमांटिक मंगा राइटर हूँ, पर यह एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। मेरा बॉयफ्रेंड को ज़्यादा ही परफेक्ट है, कितना क्यूट है, कितना स्टाइलिश है, थोड़ा नॉटी भी है, पर आई लव हिम सो मच। इसके बाद वह हाना को ड्रेस ट्राई करने कहता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। हाना अपने सरप्राइज गिफ्ट से काफ़ी खुश होती है और सोचती है, इसे भी मंगा में ऐड करूंगी। जब वो ड्रेस पहनकर निकलती है तो रिची उसे देखते रह जाता है। वो उसे हग करता है और कहता है, कैसा रहेगा अगर हम लोग डेट के लिए बाहर ना जाकर घर ही पर रहे, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्यूट सी गर्लफ्रेंड को कोई और देखे। फिर उसके साथ रोमांस स्टार्ट करता है तो वो काफ़ी स्ट्रिक्टली मना करती है, जो कि रिची को अच्छा नहीं लगता है। फिर उसका रेस्पेक्ट करते हुए उसे सॉरी कहता है। तब हाना कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मैं हमेशा इतने सिंपल विदाउट मेकअप रहती हूँ, तुमने सुंदर दिखाने के लिए इतना मेहनत किया है तो बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मेहनत वेस्ट ना जाए। रिची उसके बातें सुनकर स्माइल करता है। नेक्स्ट दिन हाना सोचती है, पक्का लोग यही सोच रहे होंगे कि हम दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन रिची कहता है कि पता है लोग क्या कर रहे हैं, कि हम दोनों बहुत ही क्यूट कपल लग रहे हैं। तो वह कहती है, हाँ क्योंकि तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो और तुम्हारी वजह से आज मैं भी सुंदर लग रही हूँ। तो रिची कहता है, क्या क्या बोली जा रही हो, तुम वैसे भी काफ़ी क्यूट हो। वह सोचती है, रिची तुम सेटिस्फाइड होने से पहले कितनी बार मुझे मार डालोगे। अगले सीन दोनों पिक्चर देख रहे होते हैं। वो सोचती है, हाँ ये रेफरेंस सही है, इसे भी अपने मंगा में यूज करूँगी। यहाँ भी रिची उसे फ्लर्ट करता है। पिक्चर खत्म होने के बाद वो कहता है, क्या ये सब तुम्हारे मंगा के लिए यूजफुल रहेगा? वो सोचती है, मेरे मंगा के लिए मूवी और बाकी सबसे बेटर रेफरेंस रिची है। नेक्स्ट सीन वो देखती है कि रिची एक पोस्टर देख रहा है और ये उसका वही एक्ट्रेस फ्रेंड थी। हाना सोचती है, अब ये मत बोलना कि वो तुम्हारे टाइप की है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगले सीन वह अपने एडिटर से मिलती है, जहाँ हमेशा की तरह वह उसके स्टोरी में कुछ ना कुछ कमी बताता है और उसे सुधारने कहता है। वहीं इधर रिची बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसे भूल जाया करती है। वह अपना स्टोरी ख़त्म होने के बाद ही मैसेज या कॉल करती है, और इसलिए ये कॉमन है कि हम दोनों 2-3 वीक तक नहीं मिल पाते हैं, पर आज मैं खुश हूँ क्योंकि पहली बार उसने मुझे कॉल करके घर बुलाया है। वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है, मैं प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्या अब हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला काम भी कर लेना चाहिए? तो रिची उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, पहले तुम थोड़ा आराम करो, रिलैक्स फील करोगी। रिची के इस तरह कंफर्ट फील कराने पर वह काफ़ी अच्छे से सो पाती है। नींद खुलने के बाद वह देखती है कि रिची ने उसके लिए खाना बनाया है। वह उसे खिलाते हुए पूछता है, कैसा बना है? इससे पहले मैंने कभी किसी के लिए नहीं बनाया है। तब हाना रोते हुए कहती है, क्यों क्यों तुम मुझे इतना स्पेशल ट्रीट करते हो? मैं तो कितनी यूजलेस गर्लफ्रेंड हूँ, हमेशा अपने काम की वजह से तुम्हें इग्नोर करती हूँ, और ऊपर से अब तो मैं अपने काम पर भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। तब रिची कंफर्ट फील कराता है कि तुम काफ़ी कूल हो और मैं अपनी इस कूल हाना से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो अपने मंगा के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती है। अब हाना उसे सॉरी कहती है और उसे थैंक यू भी कहती है और कहती है, अब तुम घर जाओ, आई थिंक अब मैं स्केच बना सकती हूँ। रिची कहता है, हाँ अब तुम अपने फॉर्म में वापस आ गई हो। वहीं इधर उसकी फ्रेंड रिची के पास अपना हेयर कट करवाने आती है। उसके जाने के बाद हाना रिची के पास आती है और उसे हक करती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने मंगा पर अच्छा ड्राइंग कर पाई हूँ। ये सुनकर रिची को भी अच्छा लगता है, वो उसके साथ फ्लर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ उसके असिस्टेंट बातें करते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि हाना स्टोरी खत्म होने के बाद बिना पेस्ट्री खाए बिना नींद लिए चली गई। माँ को कहती है,
आई थिंक वो किसी को डेट कर रही होगी, तो कोई कहता है इम्पॉसिबल। नेक्स्ट सीन माँ को बताती है कि उसने फिर से अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। कोई कहता है इस बार तुम्हारा बीएफ वो म्यूजिशियन था ना, मैं कहता हूँ ना कि 3BS के साथ रिलेशनशिप में मत पड़ना। हाना पूछती है ये 3BS क्या होता है, तो वे लोग को बताते हैं कि 3BS मतलब बैंड मेंबर, बारटेंडर और ब्यूटिशियन। इनका भरोसा नहीं रहता है, 90% 3BS धोखेबाज होते हैं। हाना सोचती है अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मेरा वाला भी तो 3BS में आता है। इसके बाद माँ को नोटिस करती है कि कोई हाना को लाइक करता है। नेक्स्ट दिन माँ को और कोई हाना के घर में ही सो जाते हैं। हाना सोचती है हम लोग साथ में काम करते करते एक छोटे से फैमिली बन गए हैं। तभी कोई हाना का हाथ पकड़ता है। हाना काफ़ी घबरा जाती है कि पता नहीं अब ये क्या बोलने वाला है, और उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि वो प्रपोज करने ही वाला है। लेकिन तभी दरवाजा का डोरबेल बजता है, तो कोई दरवाजा खोलता है और उसके सामने रिची रहता है। रिची कहता है मैं हाना का बॉयफ्रेंड हूँ। माँ को तो काफ़ी एक्साइटेड होती है कि वाओ कितना हैंडसम है। हाना अपना मोबाइल देखती है और रिची से कहती है सॉरी तुमने 5 घंटे पहले मैसेज किया था और मैंने फिर से देखा नहीं, सॉरी उतना देर तुम वेट करते रहे। कोई कहता है 5 घंटे से तुम हाना का वेट कर रहे हो, तो रिची कहता है हाँ क्योंकि मुझे इसका फेस देखना था। माँ को कहती है वाओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी कूल है। हाना कहती है लेकिन ये भी तो 3BS में आता है। कोई कहता है तो क्या हुआ, 10% 3BS अच्छे होते हैं और ये तुमसे काफ़ी प्यार करता है। अगले दिन माँ को कोई को कम्फर्ट फील कराती है। कोई कहता है ऑफकोर्स मैं उसके बॉयफ्रेंड से अपना कंपेरिजन नहीं कर सकता। माँ को कहती है हाँ 5 घंटे तक हर कोई वेट नहीं कर सकता। तो इस पार्ट में इतना ही रखती हूँ, आगे का स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।